जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दी का आगाज हो गया है, बाहर बहुत मज़ेदार बारिश हो रही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना गर्मा गर्म चॉकलेट केक बनाया जाए और उसको गर्म गर्म कॉफ़ी के कप के साथ खाया जाए। कितना मज़ा आएगा ना, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये केक बहुत ही इजी और मज़ेदार है। अभी मैं पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम्स बटर और रिफाइंड, जो आपको ठीक लगता है। 15 ग्राम हमें पाउडर्ड शुगर चाहिए, 200 ग्राम्स हमें कंडेंस मिल्क चाहिए और 5 ml हमें वेनीला एसेंस चाहिए। उसके बाद हमें इसमें ऐड करने के लिए 100 ग्राम्स मिल्क चाहिए, 55 ग्राम्स कर्ड चाहिए और इसी में हम हाफ टी स्पून वेनीला एसेंस डालेंगे, विनेगर डालेंगे हाफ टी स्पून। ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। हमें 100 ग्राम्स मैदा चाहिए, 30 ग्राम्स हमें कोको पाउडर चाहिए और कोको पाउडर में मैंने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर दी है और उसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो ठीक है जी, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसमें हम 15 ग्राम्स जो शुगर है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 100 ml, जैसा कि मैंने बताया, कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी और कंडेंस मिल्क के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून वेनीला एसेंस ऐड करेंगे। और इसको हम फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, विस्क कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने, जैसा आपको बताया, 55 ग्राम्स कर्ड में मैं हाफ टी स्पून मैंने विनेगर डाला और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें 100 ml मिल्क ऐड करेंगे और आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि हम जो भी चीजें केक में डालते हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो कर्ड और विनेगर वाला मिक्सचर था, अब हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। स्पैचुला से हम इसको क्लीन करेंगे। और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसी मिक्सचर के ऊपर छलनी रखेंगे और इसमें हम 100 ग्राम्स मैदा डालेंगे और कोको पाउडर डालेंगे 30 ग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी में ही मैंने कॉफ़ी जो है वो 1 टेबल स्पून डाली है ताकि थोड़ा बिटर टेस्ट आए। और कॉफ़ी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिए। इसको सीव ज़रूर कीजिए। छानने से एक तो इसमें एयर पास होती है और एक कई बार ये जो कोको पाउडर होता है, ये देखिए, ये जो थोड़ा मोटा मोटा सा मटेरियल बच जाता है ना, उसको ऐसे स्पून से ऐसे प्रेस कर दीजिए।
ये सब होने के बाद अब हम फिर इसको बड़े प्यार से मिक्स करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है आपने कि हमने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। इसको मिक्स करिए अच्छे से। मेन इंग्रेडिएंट तो मैं भूल ही गई थी, सोडा भी डालना है इसमें, नहीं तो केक बैठ जाना था। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मिक्स करने के बाद एक बार मैं स्पैचुला से इसको सारा इकट्ठा कर लीजिए ऐसे। और मैंने 6 इंच का जो बेकिंग बोल है वो रेडी करके रखा हुआ है। इसको ऑयल करके और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इसको पहले ही रेडी कर दिया है। और मैंने अपने OTG को 170 डिग्री के लिए प्री हीट के लिए रेडी कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, पोर करेंगे ये मिक्सचर। और स्पैचुला से हम सारा ये क्लीन कर लेंगे। अब हम रखते हैं इसको बेक करने के लिए। इसमें से कॉफ़ी की इतनी सुंदर खुशबू आ रही है ना, तो आप भी कॉफ़ी ज़रूर ऐड करना। हाफ एन आवर के बाद हमारा जो केक है वो फर्स्ट क्लास बेक हो गया। तो मैंने इसको, मेरे पास ये कटर है, इससे मैंने इसको ऊपर से क्लीन किया, क्योंकि इस पर ना आज मैं ऐसी थोड़ी सी आइसिंग करना चाह रही हूँ। और इसी तरह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो केक है, अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप नाइफ के साथ भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और मैंने चीनी और पानी का सिरप बना के रख लिया। हाँ, मैंने 1/4 कप शुगर ली और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये सिरप बना दिया इसके ऊपर डालने के। और इसके बाद अब मैं चॉकलेट को थोड़ा मेल्ट करूँगी। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल ब्रॉयलर में कर रही हूँ। तो पैन में मैंने पानी डाला और उसके ऊपर मैंने ये डोंगा रख दिया। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो डोंगा है ना, एक तो वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, एक वो नीचे पानी को नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो चॉकलेट है ना वो मेल्ट हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, 1 टीस्पून के करीब। तो जिससे ना इसमें एक शाइन आ जाती है। ये देखिए, एक टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और एक शाइन आ जाता है। अब हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे और ये मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर ना ये सिरप डालेंगे और अच्छी तरह से डालेंगे ताकि ये ड्राई ना रहे। शुगर डालने के बाद हमारा जो चॉकलेट है उसमें ही मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया था, ये भी मेल्ट हो गए। अब मैं चॉकलेट डालूंगी। ये देखिए, और इसके ऊपर अब मैं दूसरी लेयर रखूंगी। और इसके ऊपर अब हम फिर से जो हमने शुगर सिरप बनाया उसकी लेयर देंगे ऐसे। ये देने के बाद देखिए अच्छी तरह से ये हो गया, डैम्प हो गया। अब हम इसके ऊपर फिर से
ये चॉकलेट डालेंगे और इस तरह से हम इसको बिल्कुल प्लेन करके नीट करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे इसको डेकोरेट कर देंगे। ये मेरे पास चॉकलेट चिप्स पड़े थे जो कि मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, थोड़े से कलर्ड पड़े थे जो कि हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और मेरा चॉकलेट केक जो है वो बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे को बताइए कि आपका चॉकलेट केक जो है वो कैसा बना और मैं आपके लिए और कौन सा केक बनाऊं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी रेसिपीज़ की नई नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। थैंक यू। Have a nice day.